हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे आरबीआई और सेबी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप मेरी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन बजट विच इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज। ज्यादातर स्टूडेंट्स को आई होप कि इसका आंसर पता होगा। यूनियन बजट जो कि अभी 1 फरवरी को ही रिसेंटली प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में, एवरी ईयर रिप्रेजेंट होता है, इसको हम और किस नाम से बुलाते हैं? एक और इसका नाम गवर्नमेंट बजट, कॉमन बजट, जनरल बजट, फाइनेंस रिपोर्ट ऑफ द ईयर या फिर स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड्स। ये सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। यस, यहाँ पे नाम वही है जो कि हम सुनते हुए आ रहे हैं, जनरल बजट। यूनियन बजट यानी कि जनरल बजट, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। यस, गवर्नमेंट का बजट होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, अलोकेशन ऑफ फंड्स की स्टेटमेंट होती है। यस, बट इसका एक और नाम जो है इट इज ऑप्शन नंबर सी, जनरल बजट। तो क्वेश्चन नंबर वन के लिए हमें फर्स्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी, जनरल बजट। Now, next question is how many banks were nationalized in India in the year 1969? तो 1969 में कितने banks को nationalized किया गया था? ये वो time था जब India के ज्यादातर जो भी banks थे, यानी कि जितने भी आप बड़े बैंकों के नाम सुनोगे उनको nationalized किया गया था। तो एक nationalization का process चला था in the year 1969, जुलाई की मैं बात कर रही हूँ। तो question है कि कितने banks को उस time पे nationalized किया गया था? ऑप्शंस 12, 29, 14, 6 या फिर 10। तो क्या आंसर है? आंसर इज 14। तो कुल मिलाकर 14 बैंक थे जिनको 1969 में नेशनलाइज किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर टू के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एंड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1969 में मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है इंडिया में जो थे उनको नेशनलाइज किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि आरबीआई कब इस्टैब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इसके गवर्नर कौन है ये पूछा जाएगा। यस, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको पता लगे क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनिशियल पेड अप कैपिटल जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था उस टाइम पे उसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल कितनी थी। तो यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। उस टाइम पे इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल जो थी वो थी 5 करोड़। यस, 5 करोड़ से इसकी शुरुआत की गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये भी याद रखना है, यहां से 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था। Then next question is what is the maximum tenure for which one can open a fixed deposit account in a bank? तो फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत बार आपने सुना होगा, एफडी के नाम से हम इन्हें ज्यादातर बोलते हैं, एफडी ही सुना होगा आपने, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, कि एक बैंक में आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हो। क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट अपना करवा सकते हो। तो मैक्सिमम मिनिमम दो वैल्यूज है यहाँ पे, दोनों आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे आपसे पूछी गई है, मैं आपको दोनों ही वैल्यूज बता देती हूँ। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू जो होती है एक फिक्स्ड डिपॉजिट की या फिर रिकरिंग डिपॉजिट की भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। तो इसका जो मिनिमम टाइम होता है दैट इज 7 डेज एंड जो मैक्सिमम टाइम होता है दैट इज 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप फिक्स्ड डिपॉजिट को नहीं रख सकते हो। मैक्सिमम टेन्योर किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट का हो 10 ईयर्स ही होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें करेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 ईयर्स। मिनिमम भी मैंने आपको बता दिया 7 डेज, 7 डेज से कम में कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी होली ओन्ड एंड रन बाय इंडियंस। पहला ऐसा बैंक जो कि ओन किया था और इंडियंस ने ही रन किया था। यस,
उस टाइम की बात है ये, जब इंडिया को फ्रीडम मिली नहीं थी, तो कौन सा वो बैंक था, पहला बैंक जो कि पूरी तरीके से इंडियंस ही उसको ऑन कर रहे थे और चला रहे थे? अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शंस में से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1911 की ये बात है जब ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पहला बैंक था जो जो कि फुल्ली ओन किया था इंडियंस ने, सारे ही इंडियंस इसको रन करते थे, तो होली ओन्ड बाय इंडियंस था ये बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द लोगो ऑफ आधार कार्ड? आधार कार्ड, यस, जो कि आप देख रहे हो आजकल कंपलसरी हो चुका है। इवन पेन कार्ड को भी आपको अटैच कराना है, अपने लिंक कराना है आधार कार्ड से, अदरवाइज आपका पेन कार्ड भी जो है वो वैल्यू नहीं करेगा। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट दी है, यहाँ से मैंने आपकी जीके भी अपडेट कर दी। तो यस, आधार कार्ड का लोगो जो है, आपने देखा होगा आपके आधार कार्ड पे है, वो लोगो किसने क्रिएट किया था, क्वेश्चन यहाँ पे ये है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। तो जो लोगो है आधार कार्ड का, वो बनाया था, क्रिएट किया था अतुल सुधाकर राव पांडे ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना ये चीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आधार कार्ड अभी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, किसी भी रीजन की वजह से हो बट न्यूज में है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम? तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो कैसा है? फिक्स्ड है, फ्री फ्लोट है, मैनेज्ड फ्लोट है, फिक्स्ड टारगेट है, या फिर नन ऑफ द अबव है? क्या है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का सिस्टम ये हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो ये फिक्स्ड तो फॉर श्योर नहीं है। तो हमारा जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है, इट इज मैनेज्ड फ्लोट, फ्लोटिंग है क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होता है, लेकिन मैनेज्ड है, अनमैनेज्ड नहीं है, फ्री नहीं है, मैनेज तरीके से ही है, लेकिन यस फ्लोटिंग है, डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैनेज फ्लोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज PFRDA? फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों इसकी याद रखना, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि एक में से, जैसे इसमें से आपको रेगुलेटरी हटा दिया जाएगा एंड पूछ लिया जाएगा कि आर की जगह पे यहाँ पे फॉलोइंग ऑप्शन में से क्या आ सकता है, उस टाइम पे यस पजल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, दिमाग हमारा मैसअप होता है, तो आप फुल फॉर्म भी यहां से याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर्स जितने भी आपकी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स जरूर नोट डाउन करके रखना, एक सेपरेट टेबल बना लो, क्योंकि हेडक्वार्टर्स में से भी एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे बात हो रही है PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज न्यू दिल्ली इटसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज Not a negotiable instrument as per NI Act 1881. तो 1881 का negotiable instrument act पास हुआ था, 1881 act के accordingly इनमें से कौन सा instrument negotiable instrument नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। not आप कभी कभार exam में हम इतने ज्यादा tense to होते हैं और इतने ज्यादा हरी में होते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते question ढंग से, तो question जरूर ढंग से पढ़ना, यहाँ पे पूछा गया है not नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट्स या फिर चेक? तो इसमें से क्या है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज लेटर ऑफ क्रेडिट। कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि बायर्स जो है वो डायरेक्ट देते हैं सेलर को, तो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है एज पर NI एक्ट 1881। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अ लेटर ऑफ क्रेडिट।
Now, next question is, insurance companies in India are regulated by? Yes, अब आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि हम एडवांस लेवल की स्टडी करते करते छोटी छोटी चीजें जो है बेसिक वो भूल जाते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? क्वेश्चन तो इजी है, बट हमें पता हो तब तो कौन है. अब हम जिनको नहीं पता होगा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, आंसर पता है तो ही टिक करना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, तुक्के मत मारना, नेगेटिव मार्किंग करा लोगे क्योंकि आपकी वहां पे एक्यूरेसी नहीं बनेगी. सो इंश्योरेंस कंपनीज जो है बेसिकली उसको कौन रेगुलेट करता है? RBI, AMFI, SEBI, IRDAI या फिर NABARD? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करती है इंडिया में. तो ये यहाँ से इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर नोट डाउन कर लें, एग्जाम में पूछी जा सकती है. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI? आई होप कि सबको ही पता है EMI हर कोई पे करता है आजकल, तो इवन फोन्स के लिए भी हम EMI को पे करते हैं, बट द थिंग इज कि हमें इसका फुल फॉर्म नहीं पता. क्या आपको पता है EMI के फुल फॉर्म? सो EMI के फुल फॉर्म, यही हमारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर की मैं बात कर रही हूँ. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI? इज इट इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इनकम, इक्वेटेड मंथली इंसेंटिव, या फिर none of the above? तो right answer is option number B, equated monthly installments. EMI basically क्या होता है? हम installments में ही pay करते हैं and monthly basis पे करते हैं, and वो equated होती है, distributed होती है. तो यहाँ से इसकी जो full form हुई, वो हुई option number B, equated monthly installment. I hope कि अब आप नहीं भूलोगे कि EMI की full form क्या है. Now, next question is, which of these is a financial inclusion scheme that was launched in 2014? Yes, 2014 जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी. यस, कौन सी? तो आई गेस अब आपको यहाँ से आपने गेस कर लिया होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना. यस, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी जो कि उन्होंने आते ही लॉन्च की थी 2014 में. तो यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें उन्होंने जीरो बैलेंस पे इतने सारे लोगों के अकाउंट्स खुलवाए थे, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम थी. ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इससे कवर अप हुआ था. तो PMJDY ये स्कीम थी. Now next question is, important question है, which is the largest foreign bank of India in terms of branches? तो largest foreign bank India में in terms of branches, branches की बात हो रही है, assets की बात नहीं हो रही है, तो जिसकी branches ज्यादा है, largest foreign bank वो कौन सा है जो कि India में है? HSBC, City, Standard Chartered, Royal Bank of Scotland या फिर none of the above? तो यहाँ पे मैं इसका जो करेक्ट आंसर है, इट इज स्टैंडर्ड चार्टर. स्टैंडर्ड चार्टर है जिसकी अराउंड 100 ब्रांचेस हैं, तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन बैंक है ब्रांचेस में बात करें. देन सेकेंड लार्जेस्ट जो है इट इज HSBC. देन उसके बाद थर्ड जो आता है हमारा वो आता है सिटी बैंक. तो ये हायरार्की है, स्टैंडर्ड चार्टर सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, देन HSBC है अराउंड 50 के अराउंड इसकी ब्रांचेस हैं, देन सिटी बैंक है अराउंड 44 इसकी ब्रांचेस हैं. सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया स्टैंडर्ड चार्टर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज अकाउंट्स कैन बी ओपन इन पेमेंट बैंक? तो पेमेंट बैंक आपने अभी रिसेंट नाम सुना होगा, तो पेमेंट बैंक आ गए हैं अब. अब क्वेश्चन है कि उसमें कौन से टाइप के अकाउंट आप खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो. पेमेंट बैंक यहाँ पे बात हो रही है, तो सेविंग्स अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हो, या फिर करंट अकाउंट कर सकते हो, या कैपिटल अकाउंट कर सकते हो, या फिर सेविंग और करंट दोनों ही अकाउंट्स कर सकते हो, या फिर कोई भी नहीं कर सकते हो. तो पेमेंट बैंक है तो किसी लिए है? अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, इट इज बोथ ए एंड बी. यहाँ पे आप सेविंग्स अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, क्योंकि बैंक की तरह ही ये बेसिकली वर्क करता है, तो यहाँ पे आप सेविंग बैंक भी अपना ओपन कर सकते हैं एंड करंट अकाउंट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है.
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एटीएम स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग का. तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है. फाइनली लास्ट तक हम पहुंच गए हैं एंड लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग है. एटीएम जो कि हम डेली बेसिस पे भी यूज कर लेते हैं एंड मोस्टली हम में से ज्यादा तो लोग एटीएम यूज करते हैं. अब एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो टेलर मशीन है, ट्रांजेक्शन मशीन से इसको कंफ्यूज मत करना. आई नो कि आपको लगा होगा ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन मशीन है क्योंकि इसमें से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बट नहीं, ये इसका करेक्ट नाम नहीं है. इसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड जॉन शेफर्ड ने इसको बनाया था 1965 में. बेसिकली पहली जो एटीएम है वो इंस्टॉल हुई थी. तो एटीएम, अब आई होप याद रखोगे एटीएम की फुल फॉर्म ट्रांजेक्शन मशीन नहीं है, टेलर मशीन है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. तो यहाँ पे फिनिश होते हैं आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प मिली होगी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो अभी तो प्री एग्जाम होगा, बट ये सभी से मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे क्योंकि बैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्री और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एक महीने का ही मुश्किल से टाइम मिलता है. सो इसीलिए प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ती है, तो आप भी कर दीजिए. तो अब आई होप कि आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में एंड आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है. बाकी किसी भी फर्दर हेल्प के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड आपका यार वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक है वो भी मुझे कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो एंड इवन होती भी है. सो आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ. टिल दैट बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहिए, थोड़ी बहुत मस्ती भी करते रहिए, लेकिन खुद को सेफ भी रखिए. कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon. Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.